नवंशिका फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला माह की अंतिम कड़ी के रूप में बुधवार 29 मार्च को निराला नगर स्थित जेसी गेस्ट हाउस में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर पूर्णिमा पांडे ने कहा कि महिलाओं ने सिद्ध कर दिखाया है कि वह अबला नहीं सबला है। उन्होंने धरती से लेकर अंतरिक्ष तक यश अर्जित कर दूसरों के समक्ष प्रेरणा उपस्थित की है। नवरात्र के अवसर पर मातृशक्ति के सम्मान समारोह के लिए उन्होंने बधाई दी। इस अवसर पर हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी दिल जीता। इसके साथ ही मार्च के पाँचों बुधवार के आयोजन सम्पन्न हुए। इस समारोह में लाली प्रिया, डॉक्टर संगीता वाजपेयी, सुमन सेन, अलंकृता पांडे, डॉक्टर सुरभि शुक्ला, मंजू मलकानी, रंजिता श्रीवास्तव, मीरा कश्यप, शालिनी अग्निहोत्री को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट आमंत्रित अतिथियों में ऑक्सीजन मैन राजेश जायसवाल, मनोज कुमार त्यागी और संस्था के उपाध्यक्ष नीरा लोहानी शामिल रही। उसमें निशु त्यागी जैसी, जब दो साल पहले आपने मुझे, आपको मतलब है निशु त्यागी ने मुझे ज्वाइन कराया, इसमें मुझे लग रहा था यार मुझे बहुत कुछ मिल गया। तो ऐसी संस्थाओं से जुड़ना मुझे लग रहा अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोग मुझे कहेंगे कोरोना हीरो या ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते, लेकिन जब आपने मुझे जोड़ा तो मुझे लगा अब मुझे सब कुछ मिल गया। और मेरा पूरा समय मुझे लगता है कि जो भी अब बचा हुआ है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस संस्था के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके चलता रहूं। ठीक है, महिला दिवस पर कुछ ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जाना चाहिए हमारे बीच, जिन्होंने सामान्य धारा से हटकर कुछ अलग काम किया है ताकि नारी शक्ति को बल मिले और नारी शक्ति आगे बढ़ सके। मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी नवंशिका फाउंडेशन को, इसके संरक्षक और सचिव महोदया और सभी सदस्यों को कि ये लोग इतना अपने स्तर से इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारी नारी शक्ति के लिए जो वो आगे बढ़ाने की आवश्यकता है उस पर अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसे समाज के व्यक्तियों को सम्मानित कर कर आप उनके लिए तो जो सम्मान देते हैं वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे अधिक संस्था स्वयं गौरवान्वित है। और बहुत बधाई। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम मेरी जो संस्था है वो पूरा महिला माह मना रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, तो आज इसकी समापन है और इसमें हमने उन महिलाओं को सम्मानित किया है जिसमें जिन्होंने पुरुषों के समकक्ष काम किया है, उसमें ट्रेन चालक, टेम्पो चालक और बहुत सारी फील्ड, जैसे खेल, शिक्षा, कला, यश के फील्ड में जिन्होंने नाम अर्जित किया है। तो बस संस्था का यही प्रयास है कि हम उन महिलाओं को भी अपने साथ में जोड़ें जो महिलाएं यहाँ पहुँच नहीं पाती है या जिन महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया है। तो बस नवंशिका का यही प्रयास है कि हम ऐसे ही लगातार इस तरह के कार्यक्रम अभियान करते रहें और अपने साथ बहुत से वर्ग के लोगों को जोड़ें। जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम जहाँ तक अपना सहयोग कर सकते हैं अपने इस कार्यक्रम को करने के लिए हमारा सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम नीरा लोहानी है और सर्वप्रथम मैं यहाँ पर आए हुए अपने सभी अतिथियों का धन्यवाद देती हूँ कि वो आज यहाँ पर आए हैं। और मुझे अत्यंत खुशी है कि हमारी संस्था ने जो संकल्प लिया था कि हम पूरे मार्च के महीने में महिला मनाएंगे और अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित करेंगे, तो वो आज हम, मुझको ऐसा लगता है कि उस कड़ी में आज हम सफल हो गए हैं और हमने हर वर्ग की महिलाओं को सम्मानित करने की जो बिड़ा उठाया था उसको शायद हम पूरा कर पा रहे हैं। और लेकिन जितने भी लोग यहाँ आए हैं उन सबका सहयोग भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि बिना सहयोग के कुछ हो नहीं पाता है। और मैं यहाँ पर आई हुई अपनी जो मुख्य अतिथि हैं पूर्णिमा पांडे जी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ और हमारे जो ऑक्सीजन मैन के नाम से जी राजेश जायसवाल जी, उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो यहाँ आए हैं और उन्होंने हमारे कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है और हमको प्रोत्साहन भी मिलता है फिर इस तरीके से आगे के कार्यक्रम करने के लिए। धन्यवाद।
चैनल देशपद्धन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।